जय मां अंबे। हेलो फ्रेंड्स, लोदीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है किरण। तो चलिए मैं आज आपको कन्हवारा गांव के मेले की सैर कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही अच्छा मेला भरता है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। तो देखिए, हमारा छोटा सा प्यारा सा ये हनी है, इसे झूला झूलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसे हम सबसे पहले मेले में जा कर के झूला झूलाते हैं, उसके बाद हम मेला घूमते हैं। मेले के बगल से ही बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहाँ महाशिवरात्रि के बाद से 15 दिनों का मेला लगता है। 15 दिनों के लिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ छोटे से लेके बड़े सामान तक यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको ऊपर से एक नज़ारा दिखा देती हूँ मेले का। मैं अपनी मम्मी, अपनी छोटी बहन और उनके बच्चे, अपनी भाभी और उनके बच्चों के साथ मेला घूमने के लिए आई हूँ। तो चलिए अब हम अपनी फैमिली के साथ चलते हैं मेला घूमने के लिए। प्यारा सहनी भी है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मेला जाने के लिए। और देखिए, बहुत जल्दी आगे आगे ये बढ़ रहा है। पापा जी मेरे घर पर ही रहेंगे और मम्मी मेरी कह रही हैं कि आराम से आप रहिएगा, हम जल्दी आ जाएंगे। तो मैं अपने पापा से पूछी कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो मेरे पापा बोले कुछ भी अच्छा सा ले आना। तो चलिए अब हम अपने घर के 10 कदम की दूरी से अब इस तरह से मेन रोड पर आ जाते हैं और बढ़िया आराम से, और हम बच्चों के साथ चल रहे हैं। रास्ते रास्ते इस तरह से चलते जाएंगे। मम्मी मेरी पीछे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती हैं, वो हम लोगों का डिस्टेंस जल्दी ही कवर कर लेंगी। तो बस इस तरह से किनारे किनारे चलते जाएंगे, क्योंकि मेला लगने के कारण रोड में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और हम लोगों को पैदल ही जाना बहुत ही अच्छा लगता है मेला, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत रहती है और वहाँ वाहन खड़े करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। इसलिए पैदल जाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, और 2 किलोमीटर का सफ़र यूं ही बहुत जल्दी तय हो जाता है। देखिए, जो दूर के लोग हैं वो टैक्सी में भर भर के और बैठ बैठ के जा रहे हैं, और जिनके पास अपना खुद का वाहन है वो अपने वाहन में मेला घूमने जा रहे हैं। और ये देखिए किनारे, आपको मैं आपको गणपति जी का दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए गणेश जी का पुराना मंदिर है और बहुत ही प्यारा मंदिर है, इसे हम नमन कर लेते हैं। मैं आपको अपने गांव का भी थोड़ा सा सीन दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, हर जगह से थोड़ी थोड़ी गलियाँ निकली हुई हैं और यहाँ पर भी बस्ती अंदर से बसी हुई है। और देखिए, ये बगल से लोगों के घर बने हुए हैं, अभी यहाँ कच्ची नालियाँ बनी हुई इसलिए थोड़ा सा रोड पर पानी आ जाता है। और देखिए, यहाँ पर भी राधा कृष्ण जी का प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। और ये बगल से सरकारी स्कूल है, यहाँ पहली से 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और बस इस तरह से चलते जाएंगे, और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, अभी मेले के कारण यहाँ थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियाँ रखी हुई हैं, ये हमारे गाँव में ही इसकी पैदावार होती है और लोग यहाँ पर दुकान खोल लेते हैं। मुझे मेरा गाँव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे गाँव के लोग बहुत ही प्यारे और सीधे साधे हैं, और जब बहुत दिनों बाद आएँ तो कोई मुलाकात जैसे कोई पहचान के मिल जाते हैं तो उनसे हाय हेलो भी हो जाती है। और देखिए, हमारा हनी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मेला जाने के लिए, और हल्की धूप भी निकली हुई है। तो जब हम टाइम से निकलेंगे तभी तो 2-3 घंटा मेला घूम सकेंगे। तो थोड़ी धूप तो तेज़ ही है, फिर भी मेला जाने के लिए खुशी के कारण हमें धूप का भी पता नहीं चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, 20-25 कदम की दूरी में ही अब मेला रह गया है, तो बस चलते जाएंगे। और देखिए, यहाँ से अब कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। तो बस इसी कच्चे रास्ते से हम बाबा भोलेनाथ जी के भी दर्शन करते हैं। सामने से प्यारा सा आपको मंदिर दिखाई देता होगा। अभी आपको क्लियर यहाँ से मंदिर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकेंगे। और बस सामने देखिए, एक छोटी सी प्यारी सी तलैया है। इस तलैया का अगर गहरीकरण हो जाए और इसकी साफ़ सफाई हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने लगेगी। तो अब इसका निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है और बरसात के सीजन में यहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब चलिए, हम मेला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और देखिए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और इस तरह से दौड़ लगा करके मेले के अंदर जा रहे हैं। मेले में सारी दुकानें स्थायी रूप से 15 दिन के लिए जमी हुई हैं, यानी कि ये जितने लोग यहाँ दुकानें खोले हैं वो 15 दिन तक के लिए अपने फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं और दुकान खोलते हैं। बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। मेला बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है यहाँ पे, आपको छोटे से लेके बड़े सामान तक आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे दाम पर यहाँ सामान मिलते हैं, और ज़रूरत के सभी सामान यहाँ मिल जाते हैं। और जो आसपास के गांव हैं और हमारे गांव के लोग हैं, जो ज़रूरत का सामान होता है वो ख़रीदते हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े बर्तन भी यहाँ पर मिलते हैं, फर्नीचर वगैरह भी मिलते हैं। आपको मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
तो मेरे साथ आप मेला भी घूम लेंगे। यदि आपने कभी गांव का मेला नहीं घूमा है तो आप मेले का मज़ा भी ले सकेंगे। तो चलिए बच्चों को पहले हम झूला झूला देते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा हनी है, ये जब मेले के अंदर आता है तो इसे झूला झूलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए इसे एक दो राउंड झूले के लगवा देते हैं और उसके बाद फिर मेला घूमेंगे। छोटे बच्चों के 2-3 झूले यहाँ आए हुए हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो उसमें झूलते हैं और जो बड़े लोग हैं तो वो बड़ा झूला झूलते हैं। ट्रैम्पोलिन झूला भी है और बच्चे इसमें कूद करके और आनंद लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इन्हें। अब चलिए हम मेले के अंदर चलते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे सामान आए हुए हैं। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल में देखिए इस तरह से दुकानें सजी हुई हैं। आपको यहाँ ज्वेलरी, नेकलेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। खाने पीने के बहुत ही अच्छे यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे यहाँ का चाट तो बहुत ही अच्छा बनता है और यहाँ के जो भैया लोग हैं बहुत ही अच्छा चाट बनाते हैं। तो हम मेले में घूमते हुए और फिर चाट भी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब आप मेरे वीडियो को देखते जाइए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्टंट इसमें दिखाने वाली हूँ। तो देखिए इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस स्टंट को आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ आप स्टंट देखिए। आशा करती हूँ आपको ये स्टंट पसंद आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कुछ लोहे के सामान। तो देखिए ये कितने अच्छे अच्छे यहाँ लोहे के सामान रखे हुए हैं। यहाँ आपको हर प्रकार के सामान लोहे के देखने को मिल जाएंगे। हमारे ज़रूरत में रसोई में जो भी सामान इस्तेमाल होते हैं आपको यहाँ सभी प्रकार के सामान देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ एक लाइन से बाजार सजी हुई है और यहाँ पे छोटी दुकानें भी सजी हैं, बड़ी दुकानें भी सजी हैं। और मार्केट में तो बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें रहती हैं, लेकिन जो मेले की दुकान होती है उसका अलग ही मज़ा होता है और सामान भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और देखिए इस तरह से यहाँ एक दाम के बर्तन भी सजे हुए हैं, यहाँ छोटे और बड़े कपड़े भी सजे हुए हैं। जैसा आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। अब यहाँ भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है और 4 से 5 बजे के बीच यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। अब देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज वगैरह आए हैं। मेला तो एक बहाना होता है, बस अपनों के चेहरों में मुस्कान आ जाए, अपने नात रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए, बस यही एक जरिया होता है। तो बस और देखने में ये एक उत्सव जैसा ही रहता है। इसका इंतज़ार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत ही ज़्यादा रहता है कि महाशिवरात्रि आने वाला है, यानी कि 15 दिवसीय का मेला लगने वाला है। और यहाँ पुरानी परंपरा है, बहुत ही पुराना ये मेला है और इस परंपरा को अभी तक कायम रखे हुए हैं। तो बस बाबा भोलेनाथ के मंदिर के कारण बस यहाँ 15 दिवसीय का मेला लग जाता है, तो एक तरह से चहल पहल हो जाती है और रौनक आ जाती है गाँव में और सभी से मुलाकात भी हो जाती है। इसी बहाने हम आपस में मिल भी लेते हैं। अब चलिए देख लेते हैं और भी साज सज्जा के सामान यहाँ सजे हुए हैं और यहाँ पे आपको सभी प्रकार के सामान देखने को मिल जाएंगे। और देखिए लोग जिसे जो चीज़ पसंद आ रही है वो खरीद भी रहे हैं। हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएँ अब हो चुकी हैं। यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल भी हो चुके हैं और यहाँ बड़ी बड़ी शॉप भी हैं और यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी दुकानें सभी प्रकार की मिल जाएंगी। मतलब हमें कटनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो भी है हमें यहीं सब चीज़ उपलब्ध हो जाता है। और पास में ही 10-15 किलोमीटर की दूरी पे बिजरावगढ़ है, आप वहाँ की शारदा माता के दर्शन जरूर कीजिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा गाँव बहुत अच्छा है और यहाँ बच्चे भी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगाते हैं। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भी है और यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आपको दोनों प्रकार की स्कूलें देखने को मिल जाएंगी। और जहाँ पे मेला लगता है बस इसके जस्ट बगल में हायर सेकेंडरी स्कूल खुली हुई है। तो फ्रेंड्स बस आप मेले को भी देखते जाइए और मैं अपने गाँव के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी देते हुए जाऊंगी। बस यहाँ पे आपको हर प्रकार के वैरायटी के सामान मिल जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे जितने भी सजने संवरने वाले सामान हैं यहाँ पर सजे हुए हैं और क्वालिटी भी अच्छी रहती है और दाम भी उचित रहता है।
तो बस हम मेले में शुभ करने के लिए कि मतलब धार्मिक स्थल पर ये मेला लगा हुआ है तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से खरीद लेते हैं। और देखिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इन्हें मैंने आइसक्रीम खिला दी है और ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खिलाना है क्योंकि इनके अभी पेपर चालू होने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ लाई भी सजी हुई है, इसके लड्डू बने हुए हैं और यहाँ जलेबी हैं, आपको इमरती जलेबी भी देखने को मिल जाएगी। तो बस मम्मी इसे जाते समय खरीद लेती है। और देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे खाने पीने के आपको स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए चचा जान की दुकान लगी हुई, हमारे पास के ही गांव के चचा जान हैं। और देखिए इनकी बहुत ही अच्छी जूते चप्पल की दुकान सजी हुई है और इनके जो सामान हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सारा सामान जो है वो कंपनी का ही होता है और हम भी यहाँ से ख़रीदारी करते हैं इसलिए जानते हैं कि सामान बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा ये मेहनत करते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छी दुकानें सजाए हुए हैं, 15 दिनों के लिए अपने फैमिली के साथ यहाँ आकर रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी आपको सामान मिल जाएगा देखने के लिए। मात्र 10 रुपए, हर माल की कीमत है 10 रुपए, आइए और लेकर जाइए मात्र 10 रुपए। यहाँ पर आपकी शानदार एक स्टाइलिश फोटोग्राफ खींची जाती है। जी हाँ, हम आपकी फोटो का ऐसा एडिटिंग करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी यह फोटो है भी कि नहीं। चलिए अब मैं आपको पत्थर के सामान भी दिखलाती हूँ। तो देखिए ये सब हैंडमेड ही सामान है और देखिए ये पत्थर को कितना अच्छा सुंदर रूप दे देते हैं और ये हमारे ज़रूरत का सामान बन जाता है। देखिए आपको यहाँ पे सिलौटी, लोढ़ा, चकिया सब देखने को मिल जाएंगे और ये छोटे से लेके बड़े तक आपको सामान यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से बांस के बने हुए भी सामान यहाँ पे सजे हुए हैं, शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होते हैं वे सभी सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो दूर दराज के गांव के लोग आते हैं वो सभी सामान खरीद कर ले जाते हैं ताकि उन्हें बाज़ार ना जाना पड़े। आप देखिए ये कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, धूप में भी ये बैठ करके पसीना बहाते हैं और कितने सुंदर सुंदर सामानों को ये गढ़ते हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर सामान बने हुए हैं। यहाँ देखिए आपको लोहे के सामान भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एकांत में मतलब मेले के बाहर में जो थोड़ी सी जगह बची हुई यहाँ पर फर्नीचर वगैरह भी बनते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छे फर्नीचर यहाँ बने हुए हैं और यहाँ पे कप के सेट भी रखे हुए हैं। मैंने इसमें से एक सेट कप का ख़रीदा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और बस अभी हम मेले के एंड में आ चुके हैं, मतलब यहाँ से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर आ जाता है। तो मतलब एक छोर से शुरू होकर हम दूसरे छोर में मतलब मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। अब बच्चों को भूख लगाई है तो चलिए उन्हें हम चाट खिला देते हैं। तो बस ये चाट का मज़ा ले रहे हैं और हमारा छोटा प्यारा साहनी है, उसे चाट तीखी लगती है तो मैं उसे सादी नमकीन खिला रही हूँ। और देखिए बहुत ही अच्छे से ये खा रहा है, इसे मेला घूमना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बस इसके कारण ही हमें मेला घूमने आना पड़ता है। तो बस बच्चों के चेहरे में मुस्कान आ जाए और खुशी मिल जाए, बस यही एक बहाना होता है। और मेला घूमते हैं और बस चेहरे में मुस्कान आ जाती है, बस यही अच्छा लगता है देखने के लिए। बस अब शाम हो चुकी है, मतलब 7 बज चुका है। अब चलिए बाय बाय कर रहा हमारा हनी और चलिए अब इस तरह से हम मेला घूमते हुए और अब घर की ओर चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये बर्तनों की दुकान सजी हुई है, अब शाम हो चुकी है इसलिए आपको क्लियर बर्तन नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे तांबे के, कांसे के, पीतल के सभी प्रकार के आपको बर्तन देखने को मिल जाएंगे और शादी ब्याह के लिए लोग बर्तन भी खरीद लेते हैं। तो शाम को जब ये लाइट जल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ रौनक आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक परात भी पसंद की है, यदि उसका सही रेट लग जाएगा तो उसे मैं ख़रीद लूँगी। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बर्तन होते हैं, मम्मी भी मेरी यहाँ से ज़्यादातर बर्तन लेती हैं और सामान बहुत ही अच्छा इनका रहता है। तो बस पास पास के ही गाँव के हमारे भाई लोग जो हैं तो वो दुकान सजा लेते हैं और बर्तन बहुत ही अच्छे रहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप मेरे गांव का मेला देखने ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेला का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।